और पीएम मोदी का ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार जारी है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं, सुनते हैं। हर दिन रात काम कर रही है, विकास के बड़े काम तेजी से पूरे हो रहे हैं और जब नीयत सही होती है तो नतीजे भी सही होते हैं। इसलिए साथियों, देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी और गरीब मोदी सरकार को अपनी सरकार मानता है, अपनापन महसूस करता है। मोदी किसी शाही परिवार में पैदा होकर प्रधानमंत्री नहीं बना, मोदी एक गरीब परिवार में जन्म लेकर आपके बीच रहकर यहां तक आपने पहुंचाया है। और इसलिए मुझे पता है, जिन करोड़ों देशवासियों के पास अपना घर नहीं था, उनमें ज्यादातर दलित, पिछड़ा, आदिवासी ही थे। ये दलित, वंचित, आदिवासी ही थे जिनकी बस्तियों में पीने को पानी नहीं था, बिजली नहीं, सड़कें नहीं। इसी समाज के बच्चों को शिक्षा के अभाव से सबसे ज्यादा जूझना पड़ता था। साथियों, इसलिए मोदी ने गारंटी दी थी कि हमारी सरकार दलित, आदिवासी और पिछड़ा परिवारों का जीवन बदलने के लिए काम करेगी। मोदी ने वंचित वर्ग के हालातों को बदलने के लिए निरंतर मेहनत की है। देश में जिन 4 करोड़ गरीबों को पीएम आवास मिले हैं, उनमें सबसे ज्यादा इसी वर्ग के लोग हैं। हमने जिन 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों को मुफ्त उज्ज्वला सिलेंडर दिया, वो कौन है? वो अधिकांश इसी वर्ग के लोग हैं। हमने वंचित वर्ग के हर परिवार के घर में शौचालय बनवाया है। आज हम 80 करोड़ से ज्यादा जरूरतमंदों को मुफ्त राशन दे रहे हैं। इसमें हमारे दलित, आदिवासी और पिछड़ा ही सबसे ज्यादा है। आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है, आप खुद का लगाओ कभी तो भी दिखाई नहीं देगा, आखिर तक लोग खड़े हैं। यहां कुछ लोगों को मन करता है जरा देखे पीछे कितने लोग हैं। जहां मेरी नजर पहुंचती है मुझे लोग ही लोग नजर आ रहे हैं, और इसलिए आप लोग पीछे मुड़कर नहीं देखोगे तो चलेगा। आज 50 करोड़ से ज्यादा गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। आज जिन 11 करोड़ किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि का पैसा जा रहा है, वो छोटे और कमजोर किसान ही है। आज हमारे दलित, वंचित, पिछड़ा और आदिवासी समाज के लोग सिर उठाकर जिंदगी जी रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा है तो इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय किसको जाता है? इतनी प्रगति हो रही है, श्रेय किसको जाता है? देश गरीब से गरीब व्यक्ति का भला कर रहा है, इसका श्रेय किसको जाता है? आपका जवाब गलत है। ये मोदी के कारण नहीं, ये सब आपके एक वोट की ताकत ने किया है। आपने मोदी को आशीर्वाद दिया है और इसलिए ये जो पुण्य कार्य है उसके आप भी उतने ही हकदार हैं। साथियों, राजनीतिक पार्टियों का ये दायित्व होता है कि वो जनता की समस्याओं का समाधान करें।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के चंद्रपुर में रैली को संबोधित कर रहे थे, आपने सुना उन्हें। फिलहाल रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, आप बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ।